आज हम स्क्रीन प्रिंटिंग के स्क्रीन प्रिपरेशन के मेथड्स को समझेंगे। ये चार तरीके होते हैं। पहला है डायरेक्ट प्रिंटिंग, दूसरा है प्रोफिल मेथड, तीसरा है रेजिस्टेंस मेथड और क्रोमोलिन फिल्म मेथड, और चौथा है फोटोग्राफिक मेथड। फर्स्ट है डायरेक्ट प्रिंटिंग मेथड। इसके अंदर सबसे पहले स्क्रीन फ्रेम पर बोर्डिंग क्लॉथ लगाने के बाद डिज़ाइन को ट्रेस करा जाता है। फिर डिज़ाइन के बाहर इनेमल को ब्रश के द्वारा उसके बाहर जो नेगेटिव स्पेस है उसको बंद करा जाता है। फिर जब ये एक दो घंटे में सूख जाता है तो उसके बाद स्क्रीन के पीछे से भी इसी तरह से डिज़ाइन के जो आउटर फॉर्म है बाहर बेस जो उसका नेगेटिव स्पेस है उस पर हाथ से इनेमल पेंट ब्रश से इनेमल पेंट लगाया जाता है। इस तरह से ये लेबोरियस है मेथड और इसमें फाइन डिज़ाइंस को हम बहुत मुश्किल से ले पाते हैं। दूसरा है प्रोफिल्म मेथड। इसके अंदर सेलुलोजिक एसीटेट फिल्म कोटेड एक पेपर होता है जिसके पीछे बेकिंग पेपर भी लगा हुआ होता है। सबसे पहले स्क्रीन को फ्रेम पे कपड़े को टाइट करने के बाद इस फिल्म को रखा जाता है। इस फिल्म में डिजाइंस जो है वो स्टेंसिल प्रिंटिंग की तरह ही बनाई जाती है, अर्थात जैसे जितने कलर्स के हमारे को डिज़ाइन जितना कलर का हमारा डिज़ाइन है उतने कलर की पहली बात तो हमें स्क्रीन्स तैयार करनी होती हैं। दूसरा, ये जो सेलुलोज एसीटेट फिल्म कोटेड जो पेपर है इस पे डिज़ाइन को ड्रॉ करके नाइफ के द्वारा डिज़ाइन को कट करा जाता है जैसे हम स्टेंसिल के अंदर करते हैं। फिर इसको स्क्रीन पे रख के हॉट आयरन कर देते हैं इस पे, तो जो इसका सॉल्यूशन है वो स्क्रीन पे चिपक जाता है और स्क्रीन तैयार हो जाती है और बेकिंग पेपर जो है वो हाथ में आ जाता है। थर्ड मेथड है रेजिस्ट मेथड, जिसे क्रोमोलिन फिल्म मेथड भी कहते हैं। इसमें भी रेडीमेड फोटो सेंसिटिव सॉल्यूशन लगी हुई फिल्म होती है जिसको कि डार्क रूम में यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्क्रीन को टाइट करने के बाद इस फिल्म को रख दिया जाता है और इसको रखने का तरीका यह है कि जो स्क्रीन है उसका फेस साइड इसमें टच होना चाहिए और फिर उसके बाद वापस से फोटो सेंसिटिव सॉल्यूशन बनाकर इसको पीछे की तरफ से अप्लाई किया जाता है जिससे कि ये फिल्म जो है वो स्क्रीन के फेस साइड पर चिपक जाती है। 2 से 3 घंटे में जब सूख जाए, इसका सूखने का देखा जाता है कि इसका कोना थोड़ा सा हटा के देखते हैं, अगर वो हट रहा है बेकिंग पेपर आपके हाथ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रिपेयर हो गई है एक्सपोजिंग के लिए। फिर उसके बाद इसको एक्सपोजिंग टेबल पे लाकर इसमें नेगेटिव रख के और डिज़ाइन को एक्सपोज कर दिया जाता है। तो जो क्रोमोलिन जहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे कॉटेक के ऊपर ब्लैक जो एरिया होता है उससे इसका जो सॉल्यूशन है वो लूज़ हो जाता है और बाकी जो जहाँ पर ब्लैक इंक नहीं लगी हुई है वहाँ से इसका जो एरिया है वो हार्ड हो जाता है। तो जब हम इसको वॉश करते हैं तो लूज़ एरिया उस पे से निकल जाता है, अर्थात डिज़ाइंस निकल जाती है। नेक्स्ट मेथड है फोटोग्राफिक मेथड, जिसे सेंसिटाइजिंग सॉल्यूशन अप्लाई करके तैयार किया जाता है, अर्थात इसमें पीवी होता है पॉलीविनाइल अल्कोहल, पोटेशियम डाइक्रोमेट या अमोनियम डाइक्रोमेट जो है वो यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसको थ्रोअर के द्वारा टाइट की हुई स्क्रीन पे लगाया जाता है। जब ये अच्छे से सूख जाता है उसको भी डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, हल्की जो रेड लाइट होती है वो यूज़ की जा सकती है रूम के अंदर। जब इसको पेस्ट को अप्लाई कर देते हैं तो उसको सूखने के लिए रखा जाता है। 1 से 2 घंटे में जब ये सूख जाता है तब इस पर नेगेटिव रख कर उसको एक्सपोज कर दिया जाता है। इन सबको एक्सपोज करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है उसमें 5 मिनट तक रखा जाता है, ब्राइट डे लाइट जो है उसमें 10 मिनट तक रखा जाता है, डल डे लाइट जो है उसमें करीबन 2 घंटे तक रखा जाता है, और अगर 10 ट्यूबलाइट 40 वॉट्स की हैं तो उसमें 10 मिनट तक रखा जाता है। मर्करी वेपर लैम्प है अगर उसकी 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 15 मिनट तक के लिए रखा जाता है, और अगर 150 वॉट लैम्प यूज़ कर रहे हैं और 45 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है तो 3 घंटे तक के लिए इसमें एक्सपोजिंग की जाती है, और 300 वॉट का अगर लैम्प यूज़ कर रहे हैं और 60 सेंटीमीटर अगर इसकी डिस्टेंस है तो करीबन 2 घंटे तक के लिए एक्सपोजिंग टेबल पर इसको रख के एक्सपोज कर लिया जाता है। इस तरह से आज हमने ये स्क्रीन प्रिपरेशन के मेथड्स सीखे हैं।